राजस्थान की शान माने जाने वाली मूंछ पर बार बार ताव देना भी एक व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच है। ऐसा ही एक मामला अजमेर जिले के सरकारी महकमे से सामने आया है, जहां कार्यरत एक अधिकारी ने अपने ही अधिकारी के सामने मूंछों पर ताव दिया तो उच्च अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और यह किस्सा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मामला अजमेर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है, जहां श्रीनगर ब्लॉक में कार्यरत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विशाल सिंह सोलंकी को अपनी मूंछों पर ताव देना भारी पड़ गया। मीटिंग के दौरान बार बार अपनी मूंछों पर ताव देने के चलते जिला उपनिदेशक जयप्रकाश चारण द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं उच्च अधिकारी का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मूंछों पर ताव दे रहा था, टोकने पर भी विशाल सिंह नहीं रुका, जिसके चलते उसे नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही उपनिदेशक ने नोटिस में मूछे रखने वाले विशाल सिंह पर आदेश नहीं मानने का आरोप भी लगाया है, जिसमें पैरोल जांच के आदेश दिए गए थे, जिससे इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा बैठकों में शामिल होने में भी आनाकानी की जाती है। इस विषय पर दोनों ही अधिकारियों ने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अन्य कर्मचारियों ने इस नोटिस को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि मूछे राजस्थान की शान होती हैं। ऐसे में किसी आपसी द्वेष के चलते इस तरह का नोटिस दिया गया है। अभी जैसे आज का ये मूछ का वो सवाल आया विशाल सोलंकी का, मूछ एक आदमी की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का प्रतीक है। जैसे हमने आज वो पढ़ा, उसमें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये गलत है। क्यों? हमारे जो ये पायलट थे अभिनंदन, उसके मूछे नहीं थी, अधिकारियों के मूछे नहीं है क्या? सवाल इस बात पे आता है कि वो कितना कर्तव्यनिष्ठ है, मूछे रखने से उसकी कोई अपराध नहीं कर दिया, लेकिन वो कर्मचारी कितना कर्तव्यनिष्ठ है काम के प्रति? अगर वो कर्तव्यनिष्ठ है तो मूछे रखे ना। इस तरह की सोच अधिकारी को रखना अच्छी बात नहीं है। मूछ रखना एक पारंपरिक सांस्कृतिक कंपटीशन भी लगता है सामाजिक कार्यक्रमों में। हमारे पुष्कर मेले मेलों में कितना वो होता है, मूछ के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, कितनी साज संवार के रखते हैं, कितना वो करते हैं। इसी तरह की भावनाओं से ये सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं, अगर ये बुराई होती, अब सोच इस बात का है और देखना इस बात को है कि कर्मचारी और उस अधिकारी के प्रति इनकी आपसी कोई तनाव होगा या आपसी कोई जलेसी होगी, बीच में मूछों को ले दिया जो कि शान बान आन का वो है, इसको इस तरह के झगड़े फसादों में फंसा के ये गलत तरीका है। सर, जो ये आज नवज्योति में पढ़ा हमने, एक विशाल सिंह सोलंकी करके है श्रीनगर ब्लॉक में, उनके ऊपर उनके अधिकारी ने जिस तरीके से उनको नोटिस दिया समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि भाई आप मुझे देख देख के और बार बार में मुझे देख के और आप मूछ के ऊपर हाथ फेरते हो, ये कथन उनका गलत है। क्योंकि देखिए, ये एक अपने आप में किसी के पहनावे पर जाके और किसी के आप कपड़ों पे जाके उसकी रहन सहन पे जाके यदि उसके ऊपर प्रहार करते हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कोई इंटेंशन नहीं है। राजकीय नौकरी में जब आदमी रहता है ना, तो इस तरीके की हरकत वो कट्टे ही नहीं करता है। और अधिकारी जो खुद आप देख लीजिए, ये मूछ रखना तो एक शौर्य की गाथा है। महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, आज हमारे मेजर कर्नल फौज में देख लो, उनके सबके मूछें होती है। तो ये एक गलत उनका कथन है, उसके ऊपर जो कार्रवाई की है वो गलत है। हम हमारे कर्मचारी महासंघ की ओर से उन अधिकारियों को और ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अदरवे में नहीं लें और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। अन्यथा जितने भी कर्मचारी महासंघ हैं उसकी तरफ से हमें भी उन अधिकारियों के खिलाफ सड़क पे आना पड़ेगा।